हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आज की जॉब की अपडेट साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से यह रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को विदाउट स्किप के ज़रूर से देखना जब भी आपके सभी क्वेश्चन एंड डाउट यहाँ क्लियर होने वाले हैं मिनी रत्ना एक कंपनी रहने वाली है और जो इसकी नोटिफिकेशन डेट की बात करें तो यहाँ आप टू मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट आपको थर्टी मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इसकी लास्ट डेट रहने वाली है चलिए यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन कौन यहाँ एलिजिबल रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है और मैं आपको इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन की पी आपको टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड कर दूंगा जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और एक्सपीरियंस कितना लगने वाला है तो यहाँ आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं और मैं इसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड कर दूंगा चलिए यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं तो जो ये रिक्रूटमेंट है वो एस की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है, है जिसमें आपका पोस्ट नेम की बात करें तो डंपर ऑपरेटर डोजर ऑपरेटर एंड पे लेडर ऑपरेटर ये आपके तीनों पोस्ट नेम रहने वाले टोटल वैकेंसी की बात करें तो 440 पोस्ट पे ये वैकेंसी अवेलेबल है अपलीकेशन स्टार्टिंग डेट की बात करें तो अपलीकेशन स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो चुके हैं इसकी लास्ट डेट की बात करें तो थर्टी मे टू इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और जो कैंडिडेट ऑफलाइन फिलअप करना चाहते हैं उसकी जो हार्ड कॉपी आपको उसकी हार्ड कॉपी की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो सिक्स जून टू 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है जो कैंडिडेट ऑफलाइन फॉर्म को फिलप करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से एप्लीकेशन मोड इसमें दोनों भी आप एप्लीकेशन मोड है एक तो आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअ कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलप कर सकते हैं और जो ऑनलाइन है मैं आपको उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जो कैंडिडेट ऑफलाइन फ़िलअप करना चाहते हैं मैं आपको उसकी एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन के अंदर अटैच है मैं आपको वो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड कर दूँगा तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इजीली चेकआउट कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है ऑफिशियल साइट भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप वहां से जाकर ऑफिशियल साइट पर भी, भी चेकआउट कर सकते हैं पोस्ट नेम वाइज वैकेंसी की बात करें यहाँ तो डंपर ऑपरेटर के लिए आपको थ्री वैकेंसी अवेलेबल है डोजर ऑपरेटर के लिए सिक्सटी वैकेंसी है एंड पे लेडर के लिए यहाँ आपको ट्वेंटी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है टोटल यहाँ फोर पोस्ट पर यह वैकेंसी अवेलेबल है इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एंड अगर आपको इस चैनल पर वीडियो फुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक करना ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्रोवाइड हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ तो तीनों पोस्ट के लिए यहाँ एट पास यहाँ एलिजिबल रहने वाला है जो भी कैंडिडेट के पास एट पास है एंड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ एलिजिबल रहने वाले इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मैंशन किया हुआ है कि जो कैंडिडेट यहाँ एट पास है और जो कैंडिडेट के पास हैवी ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ एलिजिबल रहने वाला है और आप पूछने के बाद एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी चेकआउट कर सकती है कि जैसा डंपर ऑपरेटर के लिए वन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेवी मोटर्स व्हीकल्स का एंड डोजर ऑपरेटर के लिए भी वन ईयर का है और पेलेडर ऑपरेटर के लिए आपको टू ईयर का एक्सपीरियंस मेडोटोरी है जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को एक बार आप इजिली चेकआउट कर लेना एंड अगर आपको इस चैनल पर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना इस चैनल पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते रहते हैं और ऑफ कैंपस से रिलेटेड भी इस चैनल पर हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते रहते हैं तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन घंटी को ऑल पे क्लिक करना ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक प्रोवाइड हो